आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की देहरादून ब्रांच में आज आईटी लॉन्च में आए बदलावों के विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व आईटी गुरु डॉक्टर गिरीश अहूजा बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। इस मौके पर RCAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर देवाशीष मिश्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने ICAI की वर्तमान क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर देवाशीष मिश्रा ने आईटी कानून में बदलाव और मौजूदा समय में डिजिटल माध्यम से किए जा रहे इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून में मौजूद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ब्रांच बेहतरीन काम कर रही है। इनकम टैक्स में पहले हम लोग जाते थे, इनकम टैक्स ऑफिसर से मुलाकात करते थे, तब फिर हम लोग का असेसमेंट होता था। अभी कुछ सालों से वो चेंज हो गया सिस्टम, अभी फेसलेस हो गया। दैट मीन्स कौन इनकम टैक्स ऑफिसर है, क्या है, हम लोग को मालूम नहीं होता है। जब भी कोई स्क्रूटनी केस होता है तो हम लोग का जो भी पेपर सबमिट करना पड़ता है, हम लोग को सिस्टम में सबमिट करना पड़ता है, कंप्यूटर में सबमिट करना पड़ता है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा चेंज है, तो उसी के बारे में चर्चा हो रही है। और देहरादून ब्रांच जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आपका सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1 जुलाई 1949। तो वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड। अभी देहरादून हम लोग का 166 ब्रांचेस है सारा भारतवर्ष में। देहरादून ब्रांच उस 166 शाखाओं में से एक है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको बता दें कि ICAI निकट भविष्य में अपना पाठ्यक्रम बदलने जा रहा है। इसके लिए देश भर से स्टेक होल्डर्स के सुझाव मांगे जा रहे हैं। CA का नया पाठ्यक्रम कब और कैसे लागू होगा, इस संबंध में ICAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर देवाशीष मिश्रा ने कहा कि आगामी 1 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं और भारत की नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम जल्द लागू किया जाएगा। नया सिलेबस जो है, हम लोग उसके लिए कमेंट्स के लिए हम लोग 1 जुलाई लास्ट डेट है कमेंट्स के लिए। अभी तक हम कल आज अभी देख रहे थे 17,000 करीब फीडबैक मिला उसका, होल इंडिया से, सारा भारतवर्ष से, अब बाहर में भी, क्योंकि मेरा 44 ओवरसीज चैप्टर्स है, 44 तो 40 से ज़्यादा ओवरसीज चैप्टर्स है। तो अभी जो फीडबैक मिल रहा है, तो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी जो NEP जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें क्या बोल रहे हैं कि रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मेमोरी करके, मेमोराइज करके पास नहीं होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए। डिजिटाइजेशन का ऊपर में बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। अभी हम लोग ये सब को नज़र रखते हुए हम लोग नया सिलेबस डेवलप किए हैं। हम लोग यूजुअली सिलेबस चेंज करते हैं 10 साल में एक बार, हम लोग इस बार 5 साल में, 5 साल के बाद ही हम लोग चेंज कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो नया सिलेबस आए वो बेहतर, बहुत बहुत ही बेहतर बने एंड इंटरनेशनली वन ऑफ द बेस्ट सिलेबस बने। बिकॉज हम लोग का एक विजन है कि अपना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पास करेगा वो ग्लोबल अकाउंटेंट बनना चाहिए, कहीं भी जाए उसका मर्यादा होना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। सेमिनार में देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व आईटी गुरु डॉक्टर गिरीश आहूजा बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। उन्होंने सेमिनार में मौजूद CA को आईटी कानून में हुए हालिया बदलाव और उसके अनुरूप कार्य करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। जय भारत टीवी के लिए कैमरामैन प्रतीक कृशाली के साथ हेमभट्ट की रिपोर्ट।